हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम 2018 का हल प्रश्न पत्र जो कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसका जो पेपर फर्स्ट का जो हमारा इतिहास था 2018 का, वो मैं पूरा सॉल्व आपको करा चुकी हूँ। आप इसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरे नीचे जी के विद आकांक्षा नाम लिखा होगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे MPBSC मेंस 2018 हल प्रश्न पत्र करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप वहाँ पे जाके इसके पूरे जितने भी इतिहास के क्वेश्चन मैंने बनाई हूँ वो आपको मिल जाएगा। और भूगोल का कंप्लीट होते ही फिर हम सेकेंड पेपर करेंगे, तो इस प्रकार से हमारा 2014 से 2018 तक का पूरा हो जाएगा। साथ ही हम दूसरे स्टेट में आए हुए क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, करंट टॉपिक भी पढ़ लेंगे, ताकि हाँ देखिए किसी भी एग्ज़ाम में जो मेंस का अगर हम तैयारी करते हैं तो अगर हम प्रीवियस ईयर के 4 से 5 साल के पेपर लगा लेते हैं तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सारे क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते हुए आते हैं, क्योंकि टॉपिक वही होता है, सिलेबस वही होता है। और मैंने अपने को आंसर्स में क्या किया है कि बहुत सुंदर तरीके से फ्लो चार्ट का यूज़ किया है, मैपिंग का यूज़ किया है, तो बस आपको क्या करना है, इनको याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। और ये फ्रेंड्स, ये जो नोट्स हैं ये मेरे भूगोल का नोट्स है, भूगोल के नोट्स की जो हार्ड कॉपी अवेलेबल है, वो तो भूगोल का नोट का जो हार्ड कॉपी है वो 800 रुपीज़ है। इस 800 रुपीज़ में आपको पूरा भूगोल का जो सिलेबस है, जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण वाला टॉपिक हो गया, बीज वाला, मृदा वाला, कृषि वाला, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, आपका इंडियन ज्योग्राफी, जैसे कि प्लेट विवर्तनी की संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, तो ये आपको वहीं पे मिल जाएंगे। साथ ही ग्रुप में आपको मैं ये 2014 से 2018 का जो हमारा पेड ग्रुप है वहाँ ये क्वेश्चन अपडेट कर देती हूँ। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति बताइए, ये 6 नंबर में आया था। तो देखिए मैंने इस प्रकार से उसको एक पेज में फ्रेम किया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत किसने दिया था। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत को हैरी हेंस ने दिया था। किसने दिया था? हैरी हेंस ने दिया था। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि वर्तमान समय में हैरी हेंस के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत हिमालय उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। अगर कोई हमें हिमालय की उत्पत्ति के बारे में कोई सा सिद्धांत सबसे सही बताता है तो वह कौन सा है? वो है प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। क्या हुआ? देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये है, ये आपका नीचे गोंडवाना लैंड है, ऊपर आपका ये अंगारा लैंड है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये मलवा इकट्ठा होता गया, यहाँ की नदियों द्वारा बहा के लाया गया, यहाँ की नदियों द्वारा बहा के लाया गया, तो जो बीच में है ना ये मलवा इकट्ठा होता गया। ये जो मलवा इकट्ठा हो के इसने क्या किया, एक पहाड़ का रूप ले लिया, जिसे हम हिमालय पर्वत के रूप में जानते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुई। देखिए यूरेशियन प्लेट मतलब जो यूरोप से और यू एशिया से मिलके बनी है, तो ये जो यूरेशियन प्लेट है, प्लेट की ओर भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में, ये भारतीय प्लेट है, तो ये भारतीय प्लेट ऐसे उत्तर पूर्वी दिशा में, भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुई। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भाग, 2 से 3 करोड़ वर्ष पहले ये जो भाग थे वो अत्यधिक पास आ गए। ये जो भारतीय प्लेट है और जो ये यूरेशियन प्लेट है वो एक दूसरे के काफ़ी क्या हो गए, पास आ गए। पास आए तो ये क्या हुआ, आपस में टकराने लगे। जब भी कोई भी चीज़ पास आएगी तो वो आपस में क्या होगा, टकराने लगेगी, आपस में टकराएगी। जैसे कि ये है तो ये है, आपस में क्या किया, ये टकराने लगे। टकराने के कारण देखिए, कब जब भी कोई चीज़ टकराती है तो उनमें वलन होने लगता है, सिकुड़न होने लगती है, तो जिसके कारण उनमें वलन होने लगा। देखिए इस तरह से, जैसे कि ये आ गए ये दोनों, तो इनमें देखिए इस तरह से ये वलन होने लगा। ये मलवा है और ये बल मलवा ये हुए दबने लगा है, ये मलवा का मैंने बनाया है। तो मलवा दबते दबते ये इसने पर्वत का रूप ले लिया, और ये दोनों तरफ से अंगारा और गोंडवान है, और दोनों तरफ से ये वलन होने लगा, दोनों तरफ से दबाव उत्पन्न होने लगा, दोनों दो प्लेटें हैं दोनों की तरफ से यहाँ पे दबाव उत्पन्न होने लगा।
लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थीं। अब जब अवसादों में वलन पड़ने लगा था, ये जो अवसाद इकट्ठा हो गया था, इधर की नदी के द्वारा बहाया, ये जो बीच का भाग, ये अवसाद इकट्ठा होने लगा था, इन अवसाद में वलन होने लगा। वलन हो के कोई भी चीज़ जो होगी वो इकट्ठी इस टाइप से होने लगी। तो फिर क्या हुआ, सेनोजोइक महाकल्प के इओशिन व ओलिगोसीन कल्प ने बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। सेनोजोइक महाकल्प का जो इओशिन और ओलिगोसीन है, वहाँ पे बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अवसादों के बलन से प्लायोसीन कल्प में निर्माण हुआ। और जो मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र का जो बलन हुआ था, तो उससे प्लायोसीन कल्प में इसका निर्माण हुआ। हिमालय वास्तव में अभी भी युवा पर्वत है जिसका निर्माण कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो हिमालय को अभी भी हम सबसे युवा पर्वत बोलते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम ये इसको लिख देंगे। फिर लास्ट में हम इसका छोटा सा ये डायग्राम बना लेंगे कि किस प्रकार से ये मलबा दबने लगा, दोनों तरफ से बलन हुआ जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कुओं तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक विकास किन क्षेत्रों में हुआ है। ये भी 6 नंबर में आया था, ये हमारे मध्य प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश स्पेशल नोट्स में ये क्वेश्चन कवर किया हुआ है। सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं भूमिगत जल और सतही जल हैं। सतही जल नदियों से निकली नहरों और तालाबों से प्राप्त होता है। सतही जल जो सतह में चला जाता है, सतह के अंदर चला जाता है, तो जो सतही जल है वो नदियों से निकली नहरों और तालाबों से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में सिंचाई के 4 प्रमुख साधन हैं। सिंचाई का प्रमुख स्रोत भूमिगत जल और सतही जल होता है। भूमिगत जल से सिंचाई होती है ट्यूबवेल द्वारा। ऐसे ही सतही जल क्या होता है, नदियों से हम नहरें वगैरह निकाल देते हैं, तो सतह पे जो तालाबों से जो प्राप्त होता है वो सतही जल कहलाता है। सिंचाई के 4 स्रोत हैं, कुआं, तालाब, नलकूप और ये अन्य आ जाएगा। सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ सिंचाई होती है वो कुएं से होती है 67.2%, और नलकूपों से होती है 14.5%, 3 से 4% तालाब द्वारा होती है, बाकी अन्य द्वारा होती। थोड़ा सा हम ये लिख लेंगे, कुआं सिंचाई में कुओं का प्रथम स्थान है। कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्रफल 67.2% है। कुएं से सिंचाई मालवा के पठार और प्रदेश के उत्तरी जिलों में होती है। फिर हम पढ़ेंगे नलकूप, तो 14.5% सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। भिंड, मुरैना, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, विदिशा, इंदौर आदि जिलों में बहुतायत में नलकूप द्वारा सिंचाई होती है। अन्य बाकी अन्य तरीके से भी सिंचाई होती है। अब यह है, थोड़ा सा हम इसका लेंगे कि 10 लाख कुओं की जो योजना हुई है, आई है मध्य प्रदेश में, उससे कुओं में सिंचाई में लगभग 47% वृद्धि हुई है। 10 लाख कुओं की योजना से मध्य प्रदेश में सिंचाई में लगभग 47% वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन में राहत और पुनर्वास के द्वारा किए जाने वाले उपायों का वर्णन करो। तो किसी क्षेत्र में आपदा आने पर निम्न राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। कोई भी क्षेत्र में जब आपदा आ जाती है तो निम्न राहत कार्य किए जाते हैं, कौन कौन से, ये मेरे आपदा प्रबंधन के नोट्स में, आपदा प्रबंधन का जो मेरा नोट्स है उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है उसकी प्राइस 150 रुपये है, और इसकी हार्ड प्राइस उसकी 300 रुपये है। उसमें पूरा आपदा प्रबंधन का नोट्स आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी जॉब में हैं, आर्मी में हैं, हाउसवाइफ हैं, तो मेरे नोट्स प्रेफर ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो आपको प्रश्नोत्तर श्रृंखला में फ्रेम्ड आंसर के साथ मिल जाएंगे, विद फ्लो चार्ट, विद मैप, विद डायग्राम, जिससे आपको परेशानी नहीं पड़ेगी। बस आपको आंसर देखना है, याद करना है और एग्ज़ाम में लिखना है। साथ ही एग्ज़ाम टाइम में अगर आप देखे होंगे, मेंस के समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमको रिविज़न करने में, अगर हमारे पास नोट्स नहीं हो तो हम 10-10 बुक एक साथ उठाते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट वे है। तो सबसे पहले कौन सी राहत कार्यों में प्राथमिकता दी जाती है, मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालना, मलबे में जो लोग दब गए हों उनको बाहर निकालना, आपदा से पीड़ित लोगों को अस्थायी आवास देना, जो आपदा से पीड़ित हो जिनका घर चला गया हो उन्हें अस्थायी आवास देना, भोजन, पेयजल तथा चिकित्सा उपलब्ध कराना, संचार और परिवहन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना, जल व बिजली आपूर्ति को बहाल करना। राहत कार्य के निम्न संगठक हैं कौन कौन से हैं, सबसे पहला है सामाजिक अनुक्रिया। राहत कार्य में सामाजिक और समाज के लोगों के साथ सामंजस्य बैठ पाए, राहत कार्य में सब लोग एक साथ आ पाएँ, राहत कार्य की सबसे पहले राहत कार्य की प्राथमिकता सुनिश्चित की जाए,
और संगठनात्मक मतलब सब लोग एक साथ मिलके भागीदारी हो, आपदा की प्रकृति का सटीक अनुमान लगाना। इसके बाद हम लिखेंगे आपदा पुनर्वास क्या है, तो पुनर्वास प्रक्रिया के अंतर्गत अव्यवस्थित और नष्ट हुए तंत्रों जैसे जल आपूर्ति, विद्युत, संचार, परिवहन का नवीनीकरण एवं क्षतिग्रस्त तंत्रों की मरम्मत शामिल है। आपदा पुनर्वास में पुनर्वास प्रक्रिया के अंतर्गत अव्यवस्थित और नष्ट हुए तंत्रों जैसे जल आपूर्ति, विद्युत, संचार, परिवहन का नवीनीकरण एवं क्षतिग्रस्त तंत्रों की मरम्मत शामिल है। तो इस प्रकार से हमने ये लिखा आपदा प्रबंधन वाला। नेक्स्ट है हमारा भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन करो। तो विश्व आपदा रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित देश है। फ्रेंड्स ये भी आपको मेरी ज्योग्राफी के नोट्स में मिल जाएगा। तो विश्व आपदा रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित देश है। कौन कौन से, क्योंकि हमें 6 नंबर में लिखना है तो ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है, थोड़ा सा मैप में हम बता देंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में बाढ़ आती है। पहला है निम्न गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र, तो कौन को क्या क्या आ जाएगा। निम्न गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में भारत का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, बिहार असम इस क्षेत्र में आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। दूसरा है महानदी कृष्णा गोदावरी एवं कावेरी डेल्टा क्षेत्र, तो यहाँ का ढाल जो है निम्न होता है, पानी का बहाव यहाँ रुक नहीं पाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जनधन की बहुत ज़्यादा हानि होती है महानदी कृष्णा गोदावरी और कावेरी डेल्टा क्षेत्र में। तीसरा है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर, तो उत्तराखंड हिमाचल में बादल फटने, पंजाब हरियाणा में अफवाह विकसित ना होने के कारण बाढ़ होती है। उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटने के कारण होती है और पंजाब हरियाणा में अफवाह विकसित ना होने के कारण बाढ़ होती है। तो इस प्रकार फ्रेंड हमने आज 6 नंबर के 4 क्वेश्चन किए। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत से हिमालय उत्पत्ति, मध्य प्रदेश में कुओं तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई का विकास, आपदा प्रबंधन से रात। फ्रेंड्स ये जो अगर आप केवल सॉल्ड पेपर लेना चाहते हैं तो ये तैयार हो रहा है और सॉल्ड पेपर आपको 1500 रुपये में मिलेगा आपको, हार्ड कॉपी इसकी विद कुरियर चार्ज अलग रहेगा, तो ये आप उसको ले सकते हैं। थोड़े दिनों में ये पूरा तैयार हो जाएगा तो जिसकी जानकारी मैं आपको दे दूँगी। इसके अलावा ये सभी क्वेश्चन मेरे नोट्स में भी अवेलेबल हैं तो आप वहाँ से भी इनको पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स ये मेरे हार्ड कॉपी की प्राइस है 8500 रुपये और इसमें आपको पेड ग्रुप भी मिलेंगे, 21 पेड ग्रुप मिलेंगे जहाँ आपको तैयारी कराई जाएगी, रिवीजन क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ लगाई जाएगी, ये पूरा प्राइस का नोट्स है और अलग अलग, और साथ साथ पेपर वाइज अगर आप लेना चाहते हैं तो पेपर वाइज भी है। ये हमारा MP स्पेशल है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। इसमें आपकी 4 फाइलें रहेंगी, इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र, बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है इसको। इसी को ही पढ़ लेते हैं तो आप बहुत जल्दी आपका मतलब आप MP का क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और ये सॉफ्ट कॉपी का प्राइस है, आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं, 5200 रुपये इसका सॉफ्ट कॉपी का प्राइस है। यहाँ भी आपको टेस्ट सीरीज़ दिया जाएगा और ये पेपर वाइज आपको दिया हुआ है। प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।